हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओनली एसएससी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के नाउन पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में सेंटेंस, जो किसी स्टूडेंट ने मेरा वीडियो नहीं देखा है सेंटेंस का, वो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वहां से देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम आप लोग को पढ़ाते हैं नाउन। आइए हम नाउंस आज स्टार्ट करते हैं। आइए, नाउंस क्या होता है? नाउंस होता है अ वर्ड दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग और सेट ऑफ थिंग्स, सच एज लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आइडियाज, इमोशन और प्रोसेस। ये सब जितना भी होता है ये नाउंस होता है। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? कोई नाम आ जाता है, जैसे राहुल, रोशन, पंकज, ये सब नाम आ गया। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? हमारा जैसे टेबल, चेयर, ये सब हो गया। आइडियाज, आइडियाज जानते हैं, कोई भी चीज का आइडियाज हो गया। इमोशन जानते हैं, इमोशन, हुर्रे, ब्रावो, ये सब इमोशन हो गया। प्रोसेस जानते हैं, ये सब जो होता है, जितना भी यूनिवर्स में जितना भी नाम, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, जितना भी है, सब जो है वो नाउन। चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम मैथ हो गया, पेप्सी हो गया, राहुल हो गया, ये सब जो हो गया प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है, सेकंड, कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हो गया कंट्री, टीचर, स्कूल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन जो होता है रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल क्या सब हो गया? वुड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल का जहाँ यूज होगा वो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो नॉन मटेरियल होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा? नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल क्या हो गया? सक्सेस, ब्यूटी, स्पीड, ये कोई भी, ये सब क्या है? नॉन मटेरियल है, ये नॉन मटेरियल है। अब नेक्स्ट में क्या आता है हमारा? नेक्स्ट में आता है हमारा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रुप जो होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे पीपुल का ग्रुप हो गया, जूरी हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, किसी भी चीज का, ये सब हम कलेक्टिव नाउन में आता ही है सब। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल हमारा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल होता है सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म। सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म, दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। कुछ नाम जो होता है हमारा हमेशा जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे उस जो वो सिंगुलर उस नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, उस नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आर्टिकल जैसे ए, एन, ये जो होगा ए एन इज नेवर प्लेस्ड बिफोर देम। जो वो जो प्लूरल वर्ब जो होगा उसके पहले जो आर्टिकल ए जैसा, एन जैसा, ये कभी भी उसके पहले प्लेस नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे, ये फर्स्ट रूल है हमारा। जैसे हम एग्जांपल में देख लीजिए, मेरा एडवाइस हो गया, मिसचीफ हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, पोएट्री हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, क्लर्कली हो गया, स्टेशनरी हो गया एंड सीनरी हो गया, सीनरी हो गया। इस सब में क्या होता है? ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और इसके इससे पहले जो हमारा जो आर्टिकल होता है ए और एन नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हुआ द सीनरी ऑफ गोवा आर ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये सही है कि गलत है? ये गलत है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा, SCENERY, सीनरी हो जाएगा। अब गोवा इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या होगा? इज हो जाएगा।
है कि हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब भी यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, सी गेव मी एन एडवाइस। ये इसमें क्या है, सी गेव मी एन एडवाइस, ये तो यहाँ पे गलत है। कहाँ गलत है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल एन आ गया तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, ये कट जाएगा। तो सी गेव मी, यहाँ पे एन के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा सी गिव मी, सी गिव मी मी अ पीस ऑफ एडवाइस, और होगा अ पीस ऑफ पी आई ई पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आता है, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक। यहाँ पे क्या है, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक, यहाँ पे गलत है। क्या है, यहाँ पे मैनी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे ये गलत है, मैनी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे प्लूरल आ गया है, यहाँ पे मैनी नहीं होगा और यहाँ पे हो जाएगा मच इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन हो जाएगा, मच मच इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं, सी गेव मी मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सी गेव मी मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये गलत सही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मच इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक हो गया, नहीं तो यहाँ पे मैनी पीस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता था, यहाँ पे मच इंफॉर्मेशन होगा या तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट में आते हैं क्या, सी बाउट न्यू फर्नीचर यस्टरडे, सी बाउट न्यू फर्नीचर यस्टरडे, ये भी सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, सेकंड रूल क्या है। सेकेंड रूल होता है, सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन प्लुरल फॉर्म, दे डू नॉट हैव एनी सिंगुलर फॉर्म। पिछला वाला था कि हमारा जो कुछ नाउन जो होता है हमेशा जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है और उसका कोई प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, और उसके साथ जो होता है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है प्लुरल फॉर्म होता है, उसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, और प्लुरल वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या होता है। तो एग्जाम्पल है शूज, सॉक्स, ट्राउजर, पैजामा, पेंटालून्स, टॉन्ग्स, फ्लैंक्स, सक्सियर, डाइपर्स, बिलोज, सनग्लासेस, स्पेक्टल्स एंड गॉगल्स। ये सब जो होता है ना हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है और किसका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आई हैव बॉट अ सन ग्लासेस, ये क्या है, आई हैव बॉट अ सन ग्लासेस, यहाँ पे क्या है, सन ग्लास आ गया, आ गया तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस, पी ए आई पेयर ऑफ सन ग्लासेस, पेयर ऑफ सन ग्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ गया, ही इज प्लेइंग बिलोज, ही इज प्लेइंग बिलोज, ये सही है। ये प्लेइंग बिलोज, बिलोज का मतलब क्या होता है, बिलोज मीन्स होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं बिलोज होता है, जो बजाते हैं हम लोग म्यूजिकल में उसका नाम है बिलोज, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, सम नाउन अपीयर एज सिंगुलर बट दे आर प्लुरल, कुछ नाउन जो होता है सिंगुलर के तरह होता है लेकिन वो प्लुरल होता है। द वर्ब कैन बी यूज आइदर सिंगुलर और प्लुरल, जो वर्ब जो होता है हम कि कोई भी यूज कर सकते हैं सिंगुलर या प्लुरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है पोलिस, आर्मी, मोब्स, क्रोड, फैमिली, पीपुल, नोबिलिटी, टीम, क्लियरी, जेंटली, क्रू, जूरी एंड इन्फेंट्री।
ये सब जो हो गया हमारा जो है इसका, ये सब जो हमारा हो गया प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन लग रहा है क्या हमारा सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यह है प्लुरल फॉर्म। अब आ जाते हैं हमारा, देखिए इसमें कब होता है क्या, मतलब कब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और कब प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है ना हमारा कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें सिंगुलर हम वर्ब यूज करते हैं और सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस यूज करते हैं। और ब्रिटिश इंग्लिश में जो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा प्लुरल होता है, उसमें प्लुरल वर्ब यूज करते हैं, प्लुरल नाउन यूज करते हैं, प्लुरल प्रोनाउंस यूज करते हैं, ये सब होता है। अब एग्जाम्पल हम देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड, यहाँ पे क्या है आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश हुआ। यहाँ पे देखिए आर्मी हैव बीन डिप्लॉयड, यहाँ पे हमारा प्लुरल वर्ब यूज हुआ है, तो ये हमारा देख लीजिए ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। अब आगे नेक्स्ट में आ जाता है यूनिसन एंड डिविजन रूल। अब यूनिसन एंड डिविजन रूल क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसन और डिविजन रूल में, ये पढ़िए यूनिसन और डिवीजन रूल। यूनिसन क्या होता है, पीपुल ऑफन बिहेव इन सेम मैनर, डूइंग वन थिंग इन यूनिसन विद द अदर मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। ठीक है, वो पीपुल जो होता है सेम मैनर में, मतलब हमेशा बिहेव करता है सेम मैनर में बिहेव करता है, और जो ये जो होता है हमेशा एक यूनियन में काम करता है, एक यूनियन में एक ग्रुप में काम करता है, एक साथ काम करता है। ठीक है, तो एक साथ जो काम करता है उसको हम यूनिसन बोलेंगे, यूनिसन बोलेंगे, ऐसे को यूनिसन रूल बोलेंगे। यूनिसन रूल में देखिए क्या होता है, नाउन जो होता है हमारा सिंगुलर हो जाता है, वर्ब जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, और प्रोनाउंस भी जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, टुडे डॉक्टर गुप्ताज क्लास टेक्स इट्स फर्स्ट 100 आइटम्स एग्जाम, क्या है यहाँ पे, टुडे डॉक्टर गुप्ताज, टुडे डॉक्टर गुप्ताज क्लास टेक इट्स फर्स्ट 100 आइटम्स, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डॉक्टर गुप्ताज, यहाँ पे क्लास देखो, यहाँ पे क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास सिंगुलर हो गया, क्या है क्लास सिंगुलर हो गया, यहाँ पे नाउंस क्या है हमारा, नाउंस भी सिंगुलर हो गया है ना, यहाँ पे नाउंस भी हमारा सिंगुलर हो गया, यहाँ पे प्रोनाउंस क्या है, यहाँ प्रोनाउंस इट्स है, यहाँ पे प्रोनाउंस भी सिंगुलर है हमारा, तो ये सब जो होता है हमेशा सिंगुलर यूज होता है इसमें। एक यूनिसन में हमारा काम हो रहा है, 100 आइटम्स बोल रहा है, एक यूनिसन में यूनियन में काम हो रहा है, यूनियन में हो रहा है, यहाँ पे और कर रहा है, तो ये हो गया हमारा यूनिसन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, द जूरी हैज पास्ट टू डिसीजन, जूरी है, जूरी एक साथ हमारा डिसीजन जो पास होता है एक साथ करता है, जो यहाँ पे जूरी हैज पास्ट टू द डिसीजन, तो यहाँ पे क्या है सिंगुलर हो रहा है सब, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गया, सिंगुलर नाउन हो गया, ये सब हो गया हमारा सिंगुलर, तो इसको हम बोलेंगे यूनिसन, जो यूनियन में काम करता है, उसके साथ जो होता है नाउन भी सिंगुलर होता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। अब डिवीजन में आते हैं, अब डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल होता है पीपुल ऑफन बिहेव इन सेम मैनर, सेम है, डूइंग डिफरेंट थिंग इन डिवीजन विद द अदर मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, डिफरेंट थिंग, एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही ग्रुप में जितना भी मेंबर होता है अलग अलग वर्क करता है, अलग अलग काम करता है। ठीक है, अलग अलग काम करता है, डिवीजन में काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन रूल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या होता है, नाउन जो होता है ये भी प्लुरल होता है, वर्ब भी प्लुरल होता है, और प्रोनाउंस भी प्लुरल होता है। इसमें क्या था, एक यूनियन में काम कर रहा था, एक साथ काम कर रहा था ग्रुप में, तो जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, प्रोनाउन सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे हम एक साथ नहीं कर रहे, यहाँ पे ग्रुप है लेकिन डिफरेंट, मतलब अलग अलग मेंबर जो है ना अलग अलग काम कर रहा है, एक साथ काम कर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लुरल हो गया, नाउन भी प्लुरल हो गया, वर्ब भी प्लुरल हो गया, प्रोनाउंस भी प्लुरल हो गया। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर द लॉन्ग एग्जाम द क्लास स्टार्टेड देयर रिसर्च पेपर ऑन फेमस मैथमेटिशियन,
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लास जो हो गया हमारा, द क्लास जो हो गया हमारा प्लुरल हो गया, यहाँ पे स्टार्टेड जो हो गया ये जो हो गया ये प्लुरल वर्ब हो गया, और देयर जो हो गया या प्लुरल प्रोनाउंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि जितना भी है यहाँ पे प्लुरल यूज हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट काम कर रहा है, ये डिफरेंट वर्क कर रहा है, ग्रुप में जो है ना डिफरेंट वर्क डिवीजन में वर्क कर रहा है, तो इसको डिवीजन रूल बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आर्मी हैव कंप्लीटेड देयर डिनर, आर्मी है, देखिए यहाँ पे प्लुरल हो गया, प्लुरल वर्ब यूज हो गया, प्लुरल प्रोनाउन यूज हो गया, ये प्लुरल हो गया, सब ये सब हमारा प्लुरल यूज हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे डिवीजन रूल, ये देयर डिनर, ये जो कंप्लीटेड देयर डिनर, ये जो हमारा डिवीजन में डिनर कर रहा है आर्मी, तो ये हो गया हमारा यूनिसन डिवीजन रूल। यूनिसन डिवीजन रूल खत्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट रूल क्या होता है, फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है सम नाउन एपियर एज प्लुरल बट दे आर सिंगुलर। इसमें क्या होता है, कुछ नाउन की लगेगा कि है कि प्लुरल है और लेकिन वो रहता है सिंगुलर, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, वो हमेशा जो होता है सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे देख लीजिए, वो लगेगा प्लुरल लेकिन वो सिंगुलर में रहेगा और वो सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, न्यूज, कोर्ट नोटिस, बिलियार्ड्स, मसल्स, मोरल्स, ओलंपिक्स एंड इथिक्स, ये सब क्या है, ये सब देखने को क्या मिल रहा है, एस लगा हुआ, एस लगा हुआ, देखने को क्या मिल रहा है, प्लुरल है लेकिन ये है सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स आर एस्ट्रज सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसका मतलब जो होता है हमारा ABSTRUSC, स्ट्रक्चर मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में जो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह हमारा मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रक्ट एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट, एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम क्या यहाँ पे क्या हम बोल रहे थे, प्लुरल रहता है, प्लुरल फॉर्म में रहता है, मतलब एपियर एज प्लुरल फॉर्म लेकिन वो सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है, इसके साथ हमारा वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे देखो, या वर्ब प्लुरल दे दिया तो यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट, एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट है, तो ये अभी हो गया सर, एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट है, यहाँ पे एन भी लगेगा, देखिए एन भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, बिलियार्ड्स आर इंडोर गेम्स, बिलियार्ड्स आर इंडोर गेम्स, बिलियार्ड्स आर इंडोर गेम्स, तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लुरल, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे इज होगा और इज उसके बाद एन होगा, ठीक है, ये होगा, अब सही हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, तो ये भी गलत है, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम होगा नहीं, यहाँ पे प्लुरल लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम्स, ठीक है, तो ये हो गया सही। अब नेक्स्ट में एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस क्या है, व्हेन सच नाउन आर यूज्ड टू हाईलाइट वंस एबिलिटी इन दैट पार्टिकुलर फील्ड देन प्लुरल वर्ब हैज टू बी यूज्ड। कोई भी पार्टिकुलर फील्ड में जो होता है हमारा, कोई नाउन जो होता है किसी भी कोई नाउन जो होता है वो हाईलाइट, मतलब किसी भी एबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए हमारा यूज जो होता है उसमें जो हमारा प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए कि क्या है, दिस मैथमेटिक्स इज वेल, यहाँ पे क्या है, एक नाउन्स मैथमेटिक्स को हमारा जो इसका जो एबिलिटी मतलब हाईलाइट कर रहा है, मैथमेटिक्स अच्छा है मतलब इसको हाईलाइट कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या यूज करेंगे, हम प्लुरल वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लुरल हो गया, आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हाईलाइट कर रहे हैं कि नाउंस को हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या है कि नाउंस ये मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लुरल वर्ब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल गांधी पॉलिटिक्स इज नॉट दैट विटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी लगा हुआ देखिए इज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ, यहाँ पे भी प्लुरल हो जाएगा, सेम है। यहाँ पे देखिए, राहुल गांधी का जो है पॉलिटिक्स
वो जो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स को हम क्या कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, प्लुरल वर्ब होगा, तो आर हो जाएगा। ये सही हो गया। अब भाई नेक्स्ट रूल क्या है, फिफ्थ रूल है, सम नाउन डू नॉट चेंज देयर फॉर्म वेन कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल। कुछ नाउन जो होता है अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है जब हम सिंगुलर टू प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्या है, हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे फिगिस, ट्रॉट, सेलमोन, डियर, सॉल, स्वाइन, स्पाइसी, वर्मिन, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए कुछ ये नाउन सब जो है, ये नाउन सब जो है, अगर सेंटेंस को हम सिंगुलर से प्लुरल करेंगे तो ये नाउन जो होता है ना, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, देर इज फिश इन द एक्वेरियम। ये देखिए फिश है, ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर मतलब फिश ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देर आर टू फिशेस इन द एक्वेरियम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गलत है। क्यों क्यों, यहाँ पे देखिए ये प्लुरल हो गया, बट यहाँ पे हम क्या रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि कुछ नाउन जो होता है जो सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्म नहीं चेंज करता। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया फिश का, फिशेस हो गया, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फिश हो जाएगा। फिश हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, देर इज डियर इन द जंगल। ये सही है, देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है सब। इसमें देख लीजिए, देर आर मैनी डियर्स इन द जंगल, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका फॉर्म चेंज हो गया, प्लुरल हुआ तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे डियर्स नहीं होगा, यहाँ पे डियर होगा। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कुछ नहीं है, ये सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है क्या, एपोस्ट्रोफी प्लस एस। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया जाता है वो तो आप लोग जानते हैं पहले से। देखिए, ओनली इन केस ऑफ लिविंग थिंग टू शो पोसेशन, पोसेशन को शो करने के लिए इसमें सिर्फ लिविंग थिंग में ये हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल है क्या, देयर इज राहुल्स बैग। यहाँ पे हमारा नाउन है, ये राहुल्स जो है हमारा लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, और बैग, तो देयर इज राहुल्स बैग। और यहाँ पे राज, राज यहाँ पे आ गया, राज हैज ब्रोकन हिज लेग, तो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे पोसेशन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए राज लेग हैज ब्रोकन, यहाँ पे पोसेशन शो हो रहा है, राज लेग हैज ब्रोकन, ये देख लीजिए। सही है, अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो प्रोनाउंस का आएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।